हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निषाद एंड वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा टीम। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग के बारे में कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके फॉर्मेट हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैराग्राफ आखिर में होता क्या है। पैराग्राफ जो होता है वो सेंटेंसेज का एक सीरीज होता है जो कि किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो कि सुव्यवस्थित ढंग से होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो पैराग्राफ राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग का यूज हम कैसे और किस तरह से करते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग का यूज हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते समय, एप्लीकेशन लेटर लिखते समय, ऐसे लिखते समय, आर्टिकल लिखते समय हम करते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में जो ध्यान देने वाली चीज़ें वो है जिसे हमें देखना है कि जो पैराग्राफ राइटिंग हम जब भी करते हैं तो वो जो होता है वो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होता है और वो एक क्रम में होता है, एक ऑर्डर में होता है। इसमें जो है मुख्य तीन चीज़ें होती है, फाइंड अ टॉपिक सेंटेंस, यानी हम जो है टॉपिक सेंटेंस को पहले सबसे पहले प्राप्त करते हैं कि हमें किस टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग डिटेल्स है वो डालते हैं, जैसे प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट्स। उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस इट मींस हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, उस टॉपिक की एक समरी होती है, उस टॉपिक से रिलेटेड मेन जो फोकस होता है वो होता है क्लोजिंग पॉइंट, इट मींस कंक्लूजन। तो इस तरह से हम जो है पैराग्राफ राइटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चंस यदि आते हैं तो हम कैसे पैराग्राफ लिखें। तो अक्सर जो है यदि हमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक दिया गया है, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, ये हमें टॉपिक दिया गया है और कहा गया है कि हमें इस पर क्या लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आप इसे डिफाइन करिए, हेल्थ इज वेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज वेल्थ, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड वेल्थ। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे, कोई भी टॉपिक रहे। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड आप बताएंगे प्रॉब्लम्स या शॉर्ट कमिंग्स, कमियां बताएंगे या प्रॉब्लम्स बताएंगे। अब प्रॉब्लम तो बता दिया, अब प्रॉब्लम बताने के बाद क्या बताओगे, प्रॉब्लम बताने के बाद फिर सॉल्यूशन बताओगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसके बाद उससे रिलेटेड बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों को आप डिफाइन करोगे। उसके बाद फिर आप करोगे कंक्लूड, इट मीन्स उनका कंक्लूजन दोगे, पूरा सार दोगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यदि आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक दिया जाएगा तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो पैराग्राफ राइटिंग है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग के मुख्य रूप से फोर टाइप्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, वर्णन करना होता है, ये होता है डिस्क्रिप्टिव। एक होता है नरेटिव, नरेटिव इट मीन्स जिसमें हमें कथा कहानी की तरह सार बताना होता है उन चीज़ों के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। एक होता है एक्सपोजिटरी, जिसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसमें जो है हम एक्सपोज करते हैं चीज़ों को। एक होता है पर्सुएसिव, पर्सुएसिव इट मीन्स जिसमें ये प्रेरक है, इट मीन्स जैसे कोई राइटर है वो यदि लिख रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो होता है पर्सुएसिव। अब हम देख लेते हैं कि सीजी बोर्ड क्लास 10th में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यानी पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उसके आंसर्स कैसे देने हैं। तो सीजी बोर्ड में आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के बाद भी कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, कुछ क्लूज दिए जाते हैं। उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं हिंट्स एंड उन्हीं क्लूज को यूज करके आपको पैराग्राफ राइटिंग करने होते हैं, यानी सीजी बोर्ड में काफ़ी आसानी से आप पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों से। और आपको इसमें किसी भी तरह का रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन अप्लाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ये आपके आते हैं लगभग 4 नंबर के, राइट अ पैराग्राफ ऑन द इंडियन फार्मर यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए एक टॉपिक दिया गया है, द इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर हमारा टॉपिक है और इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए। देखिए, अ फार्मर हम्बल सिंपल विलेजर, एक्सपर्ट एट हिज वर्क, हार्ड वर्किंग, वेरी यूजफुल, प्रोवाइड स्टेबल्स इटेबल्स क्रॉप्स, इंजॉय लाइफ। अब इन्हीं क्लूज का यूज करके हमें पैराग्राफ राइटिंग करने हैं, तो कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है। देखिए, अब हम इससे रिलेटेड यदि हमें लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम टेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। टेंस के साथ साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज़ कर सकते हैं, कंजंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, मैं कुछ कुछ आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अ फार्मर वर्ड आया है, अ फार्मर हम्बल सिंपल, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से, अ फार्मर इज हम्बल एंड सिंपल। उसके बाद विलेजर वर्ड आया है, विलेजर वर्ड का हमें यूज करना है, तो कैसे कर सकते हैं,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं आगे आगे जैसे लिखते जाएंगे आप, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर विलेजर्स। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद और आगे का वर्ड यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है, बस वो जो क्लूज दिए हैं ना उनको आपको यूज करना है। अ फार्मर इज अ गुड पर्सन। उसके बाद आगे क्या आया है, एक्सपर्ट एट हिज वर्क, ये आया हुआ है तो उसका यूज करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया ना, देखिए अ फार्मर इज अ गुड पर्सन, एक किसान जो है एक अच्छा इंसान है। अब उसके बाद यहाँ पे दिया है एक्सपर्ट वर्ड, कहाँ पे देखिए एक्सपर्ट एट हिज वर्क, तो यहाँ पे फिर अ फार्मर बार बार रिपीट नहीं करना है। अब यहाँ पे हम ही का यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी रिपीटेशन से आपको बचना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ही इज एक्सपर्ट एट हिज वर्क। उसके बाद और आगे आप लिख सकते हैं, है ना, एक्सपर्ट एट हिज वर्क, हार्ड वर्किंग, ही इज अ हार्ड वर्किंग, या ही वर्क्स हार्ड, ऐसे आप क्या करेंगे आगे लिखते जाएंगे, वेरी यूजफुल। उसके बाद आप लिख सकते हैं अ फार्मर प्रोवाइड्स अस अ वेरी यूजफुल थिंग जस्ट लाइक क्रॉप्स राइस, सो मेनी थिंग्स ही प्रोवाइड्स, ऐसा आपको लिखना है, प्रोवाइड्स इटेबल्स, खाने योग्य कई सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं किसान। उसके अलावा क्रॉप्स के बारे में बताना है, अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस एंड ही प्रोवाइड्स अस वेरी यूजफुल थिंग्स, है ना, और इन सारी चीज़ों को आपको बताना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है, रट करके नहीं जाना है, इन चीज़ों को आपको सिंपल सेंटेंस में आपको लिखना है, चाहे कोई भी टॉपिक है। इंजॉय लाइफ, अ फार्मर इंजॉयज हिज लाइफ विथ हिज फैमिली मेम्बर्स, ओके, ही प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग, ही इज वेरी गुड पर्सन, ऐसे आपको क्या करना है, आपको सेंटेंसेस अपने अकॉर्डिंग कंप्लीटली आपको बनाने हैं, रट करके नहीं जाने हैं। जैसे कि यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 5 से 7 लाइनों में आपको कंप्लीटली एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है, ज़्यादा वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, कठिन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, आप जितना सिंपल हो सके सिंपल लैंग्वेज का आपको यूज़ करना है, तो इस तरह से आप पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ ऑन द बेसिस गिवन हिंट्स, यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, हेल्थ इज वेल्थ, अब इससे रिलेटेड हमें लिखने हैं इन्हीं क्लूज को, इन्हीं हिंट्स को यूज करके, जैसे हेल्थ इज अ गुड ब्लेसिंग, अ सिक मैन इज बर्डन टू सोसाइटी, मनी कैन नॉट बाई हेल्थ, डाइट एक्सरसाइज एंड हाइजीन इंश्योर गुड हेल्थ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, इन्हीं चीज़ों का यूज करके आपको फिर से एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है 5 से 7 लाइनों में। तो कैसे करेंगे, जैसे इनमें आपको लगता है कि कुछ कुछ वर्ड्स की मुझे मीनिंग नहीं आते, तो आप क्या करेंगे एग्जाम में कुछ कुछ वर्ड मीनिंग आप पढ़ लीजिए, अपनी वोकैबुलरी आप बढ़ा लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। अब ये कैसे होगा, आप टॉपिक लेंगे, आप पढ़ाई करेंगे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के साथ, तो आप जो है पैराग्राफ राइटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे हेल्थ मीन्स हो गया स्वास्थ्य, हो गया सिक मीन्स बीमार हो गया, बर्डन मीन्स हो गया बोझ हो गया, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे आप जोड़ जोड़ के आप क्या करोगे सेंटेंसेस बनाओगे, ओके, व्हेन वी वर्क हार्ड, व्हेन वी वर्क हार्ड वी शुड कीप अवर बॉडी क्लीन, जस्ट लाइक आपको बोलना है, आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, इफ यू वॉक इन द मॉर्निंग इट कीप्स अवर माइंड वेरी फ्रेश, इट कीप्स अवर बॉडी फ्रेश, ऐसा आपको क्या करना है, आपको जोड़ जोड़ के लिखना है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक यदि हम करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो स्वस्थ रहता है, हम जब जो भी चीज़ें पढ़ते हैं बड़ी आसानी से याद होती जाती है, इसीलिए कहा जाता है ना कि आप सुबह जल्दी उठा करो, उठ करके पढ़ा करो, और सुबह उठ करके यदि आप पढ़ते हो ना तो उस समय आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, आप उस समय पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाती है, तो इसलिए आप जल्दी से उठिए, जल्दी पढ़ाई करिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई में ही लाइफ है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, इन्हीं वर्ड्स का, इन्हीं क्लूज, इन्हीं हिंट्स का यूज़ करके आपको जो भी टॉपिक आए आप बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।